हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। शुरुआत करते हैं हमारे इको 8, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स एंड कैलोरी मेट्री। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए सिंगल चॉइस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो टेम्परेचर स्केल पे बेस्ड है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो सेंटीग्रेड में 27, तो केल्विन में कितना इंक्रीमेंट आएगा। तो देखो, इस केस में हमें पता है कि जो टेम्परेचर चेंज सेंटीग्रेड में होता है वही टेम्परेचर चेंज केल्विन में भी होता है। इसका मतलब अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है, डेल्टा टी अगर 27 है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन में भी 27 ही होगा। ठीक है, तो अपना थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है C upon 5 K minus, sorry, direct इसको ले लेते हैं, C plus 273 is what Kelvin। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल्टा के बराबर क्या आएगा, डेल्टा C। ये इसका कंसेप्ट हो गया। ओके बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अगले पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, इसको नोट करें। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि अगर 420 जूल हीट सप्लाई की जाती है 10 ग्राम वाटर के लिए, तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें अगर आप डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी यूज करते हो, 420 जूल आपने हीट सप्लाई किए, एम कितना है 10, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, जो स्पेसिफिक होती है जूल पर केजी में अगर लिखेंगे तो 4200 और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो डेल्टा टी इज व्हाट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑप्शन। ओके, इसका आता अपना हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहे कि 2 ग्राम की एक गोली है जो कि मूव करती है इतनी स्पीड से, और ये एक किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरा के रुक जाती है, फिर जो ऑब्स्टेकल से जो हीट बनती है वो सारी की सारी बुलेट को मिल जाती और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। पूछते कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट करवा दूं मैं, एम सी डेल्टा टी। तो सॉरी, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो एम से एम तो कट जाएगा ना, एम से एम कटेगा तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा इस केस में, वी स्क्वायर अपॉन 2C। वी कितना था, 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 2। सी की वैल्यू कितना है, 0.03 कैलोरी को कन्वर्ट करो 4.2, और ग्राम को कन्वर्ट करो 10^-3। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, -3 से ये बचेगा उधर 40, इधर बचेगा आपके पास 2 × 0.03 × 4.2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करो तो आपका आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 158.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक। अगला आता है बच्चों फोर्थ। इसमें आपको बोला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम बर्फ को आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो, इस केस में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, पहले आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसे आप कन्वर्ट करोगे वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसका उसको आप कन्वर्ट करोगे स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, एम इंटू एल, इसमें कितनी होती है एम सी डेल्टा टी, और इसमें कितनी होती है एम इंटू एल वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये एल फ्यूजन की हीट कितनी होती है, इस पर लेटेंट हीट ये होता है 1 × 80 + 1 × 1 × 100 - 0, ये टेम्परेचर चेंज इतना हुआ, प्लस 1 × 540, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 720 कैलोरी। तो 720 कैलोरी, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 0.720 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आपका 0.720 किलो कैलोरी अपना फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें 720 आ जाएगा। ठीक है,
ये यहाँ भी स्प्रिंट है इसमें स्लाइड में, बाकी पेपर में सही आपके 720 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 720 ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके बेटा, अगला आता है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि 10 ग्राम -20 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को एक कैलोरी मापे में डाला हुआ है और इसमें आपका 10 ग्राम 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी है, तो कितना इसमें कंटेंट होगा एक कैलोरी माने के बाद। तो देखो आइस कितने पे है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, सबसे पहले ये आइस बनेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी कितने पे है, पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ठंडी चीज गर्म चीज को रखेंगे तो गर्म चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा और ठंडी वाली का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वाटर का टेम्परेचर घटते घटते 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। एक बार पहले देख लेते कि यहां तक इनको कितनी रिक्वायरमेंट है, इसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है, एम इंटू सी आइस डेल्टा टी, कितना 10 ग्राम दिया हुआ है, भी आइस के लिए हाफ होता है सी की वैल्यू कैलोरी पर ग्राम में है ना, और ये कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा 100 कैलोरी हीट। इसके लिए कितनी हीट रिलीज होगी, एम सी आइस डेल्टा टी, एम कितना आ जाएगा इस केस में, इसमें एम आ जाएगा 10, सी आइस कितना हो जाएगा इस केस में, सॉरी सी आइस नहीं वाटर, तो डेल्टा टी सी वाटर कितना है 1 और डेल्टा टी कितना है इसका 100, सॉरी 10 माइनस 0, तो ये कितना आएगा 100। तो देखो 100 कैलोरी पानी जब 10 से 0 तक आएगा 100 कैलोरी रिलीज करेगा, आइस भी उस 100 कैलोरी को गेन कर लेगी तो वो भी 0 तक आ जाएगी। अब अगर आइस को और मेल्ट हो रहा है तो उसको हीट चाहिए, तो उसके इसमें फिर पानी जमना शुरू हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अगर सेम हो चुका है तो भाई टेम्परेचर डिफरेंस हो तब तक दिक्कत है। अगर टेम्परेचर सेम हो चुका है और यहाँ पे हीट का हिसाब किताब भी बराबर हो गया तो इसका मतलब अब आइस ना तो वाटर में कन्वर्ट होगी ना वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, मतलब ये मास और टेम्परेचर ऑलरेडी इस तरह से सेट किए हुए थे कि दोनों बस अपना टेम्परेचर जीरो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना स्टेट चेंज किसी का नहीं होगा, ना तो आइस मेल्ट होगा ना पानी फ्रीज होगा। तो इसका मतलब फाइनल कंटेंट क्या है मिक्सचर का, 5 का 3, जिसमें आपको बताया गया है कि 10 ग्राम आइस और 10 ग्राम वाटर इसमें रहेगा, कोई कंफ्यूजन इसमें। इसका आते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में बात करेंगे तो इसमें ब्लॉक जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसको स्लोली अपन हीट कर रहे हैं और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो कौन कौन सी प्रोसेस होगी, सबसे पहले तो -10 का जो आइस था वो 0 पे आएगा, फिर कुछ टाइम तक 0 पे ही रहेगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते 100 पर आएगा पानी, फिर कुछ टाइम तक वो 100 पे रहेगा है ना। यहाँ कौन सी स्टेट है आइस, यहाँ कौन सी स्टेट है वाटर, ये कौन सा है वाटर, और ये बाद में क्या बन जाएगा स्टीम। तो इस प्रोसेस को शो करने वाला ग्राफ कौन सा है, फर्स्ट ग्राफ इसका सही एक्सप्लेनेशन है ना। उसका आता है 7th में एक मेटल बॉक्स है, उसके अंदर आपने गैस को भरा हुआ है, इनिशियल प्रेशर अगर 2 है तो बाद में प्रेशर कितना हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, बॉक्स के अंदर गैस भरी हुई है, बॉक्स के अंदर गैस भरना मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, मतलब कि P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। T1 कितना है बेटा 273 प्लस 27, ये हो जाएगा 273 प्लस 87, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 1.2, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ P2 जो है वो कितना है 1.2 टाइम्स ऑफ P1। P1 कितना दिया आपको 2 पास्कल, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 पास्कल, थर्ड ऑप्शन 7वें का। ओके फिर इसका आता है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बात करेंगे तो इस केस में कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आपको वेरिएशन बताना है। देखो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो PV इक्वल्स टू NRT, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा इसमें कांस्टेंट। अब ये पूरी टर्म अगर कांस्टेंट होगी तो PV हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो चाहे आप वॉल्यूम को कितना ही बढ़ा दो या घटा दो
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीवी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, थर्ड ऑप्शन बन जाएगा इसका, इसमें कोई कंफ्यूजन अपने को, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, थर्ड आंसर। ओके बेटा, अगले नाइन्थ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन में आपको वर्क बताना है पी इनिशियल से फाइनल स्टेट तक। तो देखो पीवी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या होता है, वर्क होता है ना, तो ये वर्क हो जाएगा एरिया, एरिया क्या बन रहा है वन, ये बन रहा है फोर, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का सम कितना है थ्री, तो ये हो जाएगा हाफ पैरेलल साइड का सम, उनके बीच का सेपरेशन साढ़े सात। अच्छा ये एटीएम में है यानी कि 10^5 इसका मल्टीपल आ जाएगा, और ये वन मल्टीपल इसका आ जाएगा, तो 7.5 × 10^5 फर्स्ट ऑप्शन नाइन्थ का। ओके उसका आता है टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में आपको आरएमएस स्पीड बताना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आरएमएस स्पीड का मतलब ही यही होता है सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वायर करके, और उन स्क्वायर का क्या करना आपको एवरेज लेना है और डिवाइड बाय रूट करना है। तो देखो दो का स्क्वायर 4, 9, 16, 25 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/45 54/4 यानी कि 54/2 फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा टेंथ का। ओके फिर उसका आता है कि अगर 1930 ये स्पीड है तो इसको बताना है कि आपको ये कौन सी गैस रही होगी। तो देखो हमें पता है कि V जो है वो होता है √3 RT/m RMS स्पीड, तो m क्या हो जाएगा V स्क्वायर 3 RT/V² यही होगा। तो इस केस में रूम टेम्परेचर मतलब कितना 300 केल्विन, तो 25/3 300 केल्विन, V कितना है 1930 और 1930, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे ये तो कैंसिल करवा दो, 20 से 20 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा 75 193 और 193, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10^-3 और लिख देता हूँ। अब देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 361 है ना, तो उसमें अपन अब देखें तो अब 19 के स्क्वायर में अगर अपन यहां बात करेंगे तो देखो ये ऑलमोस्ट 75 है ना, तो 193 है, तो उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो ये स्क्वायर होके कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 37 कुछ मान लेते हैं इसको, है ना, और 375 पॉइंट कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 750/10, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो कटपिट के कितना आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट कटपिट का आएगा 2, है ना, अप्रोक्सीमेशन में, ये अप्रोक्सीमेशन में कितना आएगा 2 × 10^-3। अब 2 × 10^-3 जो है वो कितना होता है, मोलर मास किसके लिए होता है, ये होता है हाइड्रोजन के लिए, तो अपना आंसर यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन अगर आप करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि कितना हो रहा है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं अपन 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक आइडियल डायटोमिक गैस को हीट किया जाता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तब तक जब तक इसका प्रेशर डबल ना हो जाए। ध्यान रखो इसमें क्या चीज करी गई है, इसमें वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करा गया है, तो वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है, वी अगर कॉन्स्टेंट है ना, सॉरी प्रेशर को क्या है कि आपने डबल कर दिया, प्रेशर को आपने डबल कर दिया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब P′P T′T। प्रेशर कितना हुआ है 2P हो गया, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी कितना होगा, टेम्परेचर भी 2T हो जाएगा, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है उस प्रोसेस की क्या है, अच्छा इन्होंने केवल मोलर स्पेसिफिक हीट ही पूछा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है CV, यानी कि F/2R, F क्या हो जाएगा 5/2R डायटोमिक के लिए, तो अपना आंसर हो जाएगा इस केस में 5/2R 12th का थर्ड ऑप्शन। ओके इसमें कोई कंफ्यूजन, तो 12th का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है।
देखो 13 में वीपी स्क्वायर कांस्टेंट प्रोसेस फॉलो करते हुए गैस का इनिशियल टेम्परेचर टीवी ही था और उसे वी से बढ़ा के टू वी तक एक्सपेंड कर दिया अपन ने इस प्रोसेस के थ्रू। तो आपको बताना फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो इस केस में वीपी स्क्वायर जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो अपन को टी और वी में रिलेशन पूछा, तो पी को एलिमिनेट कर दो, इसको लिखो एन आर टी अपॉन वी। भाई गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी होता है ना, तो जिस भी पैरामीटर को आप हटाना चाह रहे हो उसको रिप्लेस कर दो, तो पी क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दो इसमें बराबर कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन वी कॉन्स्टेंट। मतलब मैं बोल सकता हूँ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टी वन टी टू में रिलेशन पूछा है, तो रूट ऑफ वी वन वी टू कर देंगे। अब रूट ऑफ वी वन वी टू, वी वन कितना है, वी से टू वी हो रहा है, ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टू, तो टी टू क्या हो जाएगा टी टू बराबर टी वन रूट टू, तो टी वन रूट टू हो जाएगा अपने पास थर्ड ऑप्शन, 13 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको। फिर उसके बाद आता है 14th क्वेश्चन, एक बार नोट कर ले इसको। तो सिंपल सा वीपी रिलेशन से आपको टी और वी के बीच में रिलेशन बताना है, ओके बेटा। 14th क्वेश्चन में आपको डायटोमिक गैस को कंप्रेस करना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम वॉल्यूम दिस टू दिस, चेंजेस इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। देखो सबसे पहले कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आपको चेंज करना था, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ठीक है आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या हो जाएगा पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी से आपका ये 50, डेल्टा वी कितना कर दिया आपने कंप्रेस किया ना, तो कंप्रेस किया इसका था नेगेटिव वर्क किया आपने, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 10, कितना हो जाएगा वर्क इस केस में माइनस का 300 जूल। ये तो हो गया वर्क, 6 आएगा माइनस में तो 300 हो जाएगा, तो वर्क तो हुआ नेगेटिव। अब इसमें आपको पूछा है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो देखो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अब एन आर डेल्टा टी को अपन पी डेल्टा भी लिख सकते हैं और एफ बाई टू पी डेल्टा भी कितना है, एफ कितना था 5/2 माइनस 300, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 750 जूल। तो ऑब्वियसली बात है, देखो आप यहाँ पे एक तो ये चीज समझ सकते हैं हम कि अगर हम इसमें वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता ही है ना, वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो अपने पास सेकेंड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड बचेगा, तो उसमें फिर सॉल्व करके अपना आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तो 14 का फर्स्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन। इसका आता है अपन 15 पे, 15 में एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो हमें पता है एडियाबेटिक में पी वी बराबर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर माइनस गामा। अब अगर हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन में एरर वाली ट्रिक लगाए तो डिफरेंशिएशन कर दो इसको, डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा डी पी बराबर, अच्छा इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन यूज कर लेते हैं कुछ भी, मान लो मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट काम में ले लेता हूँ कुछ लैम्डा या सी, मान लो सी मैंने कोई कांस्टेंट काम में ले लिया, या एल्फा मान लेते, चलो एल्फा कुछ नहीं होता ना, एल्फा वी की पावर माइनस गामा, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा डी पी एल्फा माइनस गामा वी की पावर माइनस गामा माइनस वन डॉट डी वी, यही होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा डी पी अपॉन पी बराबर माइनस गामा एल्फा वी की पावर माइनस गामा माइनस वन डॉट डी वी, और ये क्या हो जाएगा एल्फा वी की पावर माइनस गामा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस गामा वी की पावर माइनस वन डी वी डी पी बाई P, तो dp by p कितना हो जाएगा आपके पास माइनस गामा dv अपॉन v। इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बाकी आप डायरेक्ट एरर की ट्रिक भी लगा सकते हो, आपको अगर पावर में फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली लिख दो कि डेल्टा p परसेंटेज जो होता है वो माइनस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा v परसेंटेज होता है, इसका मतलब कि इसको फ्रैक्शनल एरर में लिखोगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो
माइनस गामा डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आपका बन जाएगा 15 का, कोई कंफ्यूजन इसमें। फिर इसका आता है 16 की बात करते हैं। 16 में आपको यहाँ पे देखो दो ग्राफ में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले आप क्या चीज कंपेयर करोगे बेटा, स्लोप, है ना। तो देखो हमें पता है स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है बी का, और हमें पता है एडियाबेटिक में स्लोप ज्यादा होता है, तो बी का स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब बी कौन सी प्रोसेस है एडियाबेटिक और ए कौन सी है आइसोथर्मल, ये इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं हमारे 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे वीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपको P1 P2 में रिलेशन बताना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक कोई टेम्परेचर फिक्स कर दो, इस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग दोनों ग्राफ में वॉल्यूम को मार्क कर दो। अब देखो हमें पता है अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हुए बात करें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है ना। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं सॉरी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। P भी बराबर कॉन्स्टेंट होता है ना, तो इस केस में टेम्परेचर अगर फिक्स कर देंगे तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखो यहाँ वॉल्यूम किस कौन सा वाला ज्यादा है, V2 ज्यादा है V1 से, इसका मतलब P2 कम होगा P1 से, P2 कम होगा P1 से, मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहां से हो जाएगा 17 का फर्स्ट। ओके अगला आता है 18th, है ना। इसमें आप एक या तो दूसरा तरीका भी कर सकते हो। देखो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, ये दोनों प्रोसेस जो आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, तो अब आप इसके लिए ऐसे कर सकते हो कि पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी होता है, तो पीवी बराबर एनआरटी के केस में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पीवी बराबर एनआरटी, तो ये क्या हो जाएगा वी बाई टी बराबर एनआर अपॉन पी, और एनआर अपॉन पी वी बाई टी क्या हो जाएगा वीटी ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है पी। अब हमें पता है स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप जो है वो 2 का ज्यादा है किसके मुकाबले, स्लोप 1 के मुकाबले, तो इसका मतलब P2 जो है वो कम होगा किससे, P1 से। ये इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है ना, तो आप दोनों तरीके से देख लो जो भी आपको ठीक लगे। 18th में आपको वापस यहाँ पे कंपेरिजन करना है कि V1 V2 इसमें अगर वॉल्यूम है तो आपको बताना है इनका रिलेशन क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर अपन यहाँ पे दो ग्राफ बनाते हैं ऐसे, इधर देखना, इस ग्राफ से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे दो इस तरह की लाइंस खींचता हूँ, ठीक है, तो हमें तो 1 और 2 पे वॉल्यूम को कंपेयर करना है ना, तो ये वी कॉन्स्टेंट वाला ग्राफ बन जाएगा ना भाई, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट और पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब जो मैंने आपको तरीका बताया था वही, वी अगर कॉन्स्टेंट हो पहले तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा NRT, यहाँ POT में है तो इसको लिख दो NR अपॉन V। अगेन देखो 1 वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, स्लोप जो है वो किसका ज्यादा है 1 का ज्यादा है किससे 2 से, स्लोप अगर 1 का ज्यादा है 2 से इसका मतलब क्या हो जाएगा V1 जो है वो कम हो जाएगा किससे V2 से, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे 18 का मेरा बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें। इसके बाद 19 की बात करते हैं। 19 में आपको 4 मोल डायटोमिक गैस दिया हुआ है जिसका प्रेशर कॉन्स्टेंट है 27 से इतना तक इसको गर्म करते हैं, तो आपको बताना है कितनी हीट देनी पड़ेगी। देखो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब आपको हीट पूछी जाती है ना वो होता है NCP डेल्टा T, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में 4, CP होता है F/2 + 1 R, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है सेंटीग्रेड में आ रहा है 300, तो केल्विन में भी 300 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। तो इसमें वैल्यू सॉल्व करोगे तो 4 5/2 + 1 25/3 300, यह कटेगा 100 बार, 7/2 25, 4 और 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 25 और 2 50 7 350 × 100, तो 35,000 जूल मेरा फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा इसका 19 का। ओके उसका आता है 20 में आपको बोला है कि मिक्सचर कंटेन N1 मोल ऑफ मरटमिक गैस N2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस,
गामा अगर मिक्सचर का जो है अगर इतना है तो आपको बताना है कि N1 N2 का रेशियो क्या होगा। तो देखो गामा मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इस केस में गामा मिक्सचर क्या होता है, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। अब CP का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CP का फॉर्मूला होता है F/2 प्लस 1 R, और CV का फॉर्मूला क्या होता है F/2 R। सबसे पहले देखो मिक्सचर के लिए कितना दिया हुआ 1.5। N1 कौन सी केस है, मोनोएटमिक, N1 तो मोनोएटमिक है और N2 जो है वो डायटोमिक है, तो N1 के लिए ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, इसके लिए हो जाएगा 5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा N1 3/2 और ये हो जाएगा N2 5/2। तो सॉल्व करने तो कितना आ जाएगा ये 5N1 प्लस 7N2 3N1 प्लस 5N2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3/2 का गामा का मतलब हो जाएगा 3/2, तो ये जाएगा 9N1 प्लस 15N2 10N1 14N2। इसका मतलब क्या हो जाएगा N1 बराबर N2, तो N1 बराबर N2 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 20 का। ओके तो 20 का फर्स्ट ऑप्शन आ गया। उसके बाद आता है मेरे पास कार्नो इंजन जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है, तो यह सिंक को 2000 जूल हीट देता है, तो हीट कितनी एब्जर्व होगी सोर्स से, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - T2 / T1। अब 1 - T2 / T1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 - 273 - 73 273 + 27। देखो इसमें है ना आपको अगर ये मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा टेम्परेचर सिंक का और कौन सा सोर्स का है, तो हमेशा याद रखना ज्यादा टेम्परेचर हमेशा सोर्स का होता है, कम हमेशा सिंक का होता है। तो कम मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा T1। तो ये सोल्व करने पे आ रहा है 1 - 200/300 यानी कि 1/3, ठीक है, ये तो हो जाएगा एफिशियंसी। अब एफिशियंसी का मतलब होता है कि अगर सोर्स से कुछ एनर्जी Q1 एब्जॉर्ब की तो उसका कुछ वर्क किया होगा और बाकी सिंक को दे दिया होगा। इन्होंने बोला कि सिंक को तो ये 2200 जूल दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वर्क है, देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है W/Q1 यानी कि Q1 बराबर 3W, यही हुआ। अब इस केस में ये बोल रहे हैं कि कितनी सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा, देखो Q1 प्लस Q1 बराबर W प्लस Q2 यही होता है, इसको लिखोगे आप Q1/3 Q2 = Q1। अब Q1 1 - 1/3 = Q2, Q1 2/3 is 200, तो Q1 कितना हो जाएगा आपके पास 300। तो 300 जो है वो सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा, सोर्स से जो इंजन है वो एब्जॉर्ब करेगा इतनी हीट, और उसका फिर ये 200 किसको दे देगा, सिंक को, और 1/3 यानी कि 300 का 1/3 100 जूल ये वर्क कर देगा, ठीक है। तो 100 जूल का वर्क हो जाएगा और इधर से टोटल 300 आएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। फिर 21 के बाद आता अपना 22। 22 में बोल रहे हैं कि अगर सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट करें तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो एफिशिएंसी होती है 1 - T2 / T1, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट T2 में मान लेता हूँ 50 केल्विन, T1 मान लेता हूँ 100 केल्विन, ठीक है। तो देखो ये कितना जाएगा 1 - 50/100 यानी कि 0.5 एफिशिएंसी आएगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको 50 से 60 कर देता हूँ, इसको 100 से 110 कर देता हूँ, तो ईटा डैश कितना आ जाएगा 1 - 60/110। अब देखो 60/110 जो है ना ये चीज 0.5 से ज्यादा है, इसका मतलब ये चीज जो है वो 0.5 से ज्यादा है, तो ईटा डैश तो 0.5 से भी कम आएगा ना, इसका तो ईटा डैश जो है वो ईटा से भी कम आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर सोर्स और सिंक के आप सेम अमाउंट से बढ़ाते हो, सेम अमाउंट से बढ़ाना मतलब अगर 10 का चेंज इसमें किया सिंक में तो 10 का चेंज सोर्स में भी करो, तो ओवरऑल इफिशियंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में एफिशिएंसी क्या होगा, घटेगी, 22 का अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है 23 में आपको टोटल वर्क पूछा है इस प्रोसेस के लिए। अब इसमें देखो पीवी प्रोसेस के लिए टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ लूप
एरिया कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 400। तो हाफ इंटू बेस, लीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर क्यूब में, 400 किलो पास्कल को कन्वर्ट करोगे पास्कल में, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 × 16 8, 8 और ये खत्म, तो 800, 800 जूल आपका आंसर आ जाएगा। 23 का क्या आ जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल इजी है बेटा है। उसके बाद आता है 24, 24 में आपको मोलर स्पेसिफिक बताना है पी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के लिए। देखो पी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो अपन ऐसा करते हैं, अपने पास एक इक्वेशन होती है पी टी वी की पावर एक्स माइनस वन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो ऐसा करता हूँ इस पी की जगह लिख देता हूँ मैं एन आर टी अपॉन वी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इससे क्या आएगा, टी से टी कट जाएगा नहीं, टी वी बराबर कॉन्स्टेंट है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी वी की पावर 2-1 बराबर कॉन्स्टेंट। अब कंपेयर करो इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करोगे तो आपको x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा 2। अब c का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी प्लस आर अपॉन 1-x। सी वी कितना होता है, f बाई 2 r प्लस आर अपॉन 1-x। f बाई 2 कितना है, 5/2 r प्लस आर अपॉन 1-x। x की वैल्यू कितनी है इसमें, x की वैल्यू होगी, अब x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, तो 5/2 r - r/2, तो कितना हो जाएगा 3/2 r, ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो 24वें का क्या आ जाएगा मेरे पास, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसका आता है 25वां, ठीक है एक बार लिखे यहां तक बच्चों। 25 में देखो आपको ग्राफ को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है साइक्लिक प्रोसेस, इसमें 1 से 2 ग्राफ के लिए बोल दिया कि हाइपरबोला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब 1 से 2 में टेम्परेचर कांस्टेंट है और साथ में क्या है वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। चलो चेक करते हैं, 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ये तो गलत हो गया, 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ये गलत हो गया, 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ये गलत हो गया, 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट सही है। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, फोर्थ ऑप्शन, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये लो। केवल देखो ऐसे क्रॉस चेक करोगे ना तो भी आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा ना। बाकी प्रोसेस भी चेक कर सकते हो कि 2 से 3 में देखो प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कम, तो 2 से 3 में प्रेशर कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम कम हो रहा है, ये जो ग्राफ मूल ओरिजिन से जा रहा है इसका अंदर, टीवी ग्राफ ओरिजिन से कब जाता है, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट हो, तो ये वो प्रेशर कॉन्स्टेंट का ही तो ग्राफ है, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन जो है हर तरह से मैच करेगा। आते हैं हम 26 पे, 26 में आपसे क्या पूछा है कि एबीसी में टोटल हीट जो आप दे रहे हो सिस्टम को 5 जूल है, तो सीए में कितना वर्क होगा। देखो हमें पता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू नेट और डब्ल्यू नेट इक्वल होता है, क्योंकि डेल्टा यू नेट हमेशा क्या आता है, ये चीज तो हमेशा 0 आ जाती है, अब ये चीज कितनी है 5। अब इसमें W नेट में आएगा A से B का वर्क, B से C का वर्क और C से A का वर्क। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि A से B कितना वर्क किया, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हुए आपने वॉल्यूम को 2 से 1 किया, B से C में 0 और C से A का वर्क पूछा है, तो ये हो जाएगा 5, 10, तो वर्क डन C टू A कितना हो जाएगा -5 जूल, तो -5 जूल मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहां पर जाएगा 26 में, ओके इसमें कोई कंफ्यूजन। अगला आता है 27, 27 में बॉयल के लॉ से आपको बताना है पी और वी में क्या रिलेशन होगा। देखो बॉयल का रूल क्या बताता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पी वी बराबर कांस्टेंट, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो इसका मतलब पी वी, पी और 1/V का ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। उसका आता है 28 में आपको मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा है ना, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो देखो अब इस केस में हम गैस इक्वेशन का वो वाला फॉर्म काम में लेंगे, मॉलिक्यूल का नंबर आता है पीवी बराबर एनकेटी, तो एन क्या हो जाएगा, पीवी केटी, तो पी कितना हो जाएगा
प्रेशर हो जाएगा 13.8, वी हो जाएगा 1.38 10 टू द पावर -23 और टी कितना हो जाएगा 300। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कटेगा 10 बार तो 10 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस में चला जाएगा डिवाइड बाय 300, ये हो जाएगा 10/3 10 टू द पावर 21 तो 3.33 इंटू 10 टू द पावर 21 मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आता है हमारा 28 के बाद 29। दिए गए पीवी कर्व के लिए आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। देखो करेक्ट रिलेशन कैसे बताएंगे, पीवी ग्राफ में हमेशा याद रखना, जैसे हम एक लाइन खींचे इस तरह से, तो जो पॉइंट दूर होता है ना, जो ग्राफ ओरिजिन से दूर होता है उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। या आप जो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि वी को कॉन्स्टेंट मानते हो, अगर आप देखोगे है ना, ये मान लो गिवन वी है, तो इस वी पे कौन सा वी अगर कॉन्स्टेंट रखते हुए देखें, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो पी टू ज्यादा है किससे, पी वन से, तो इसका अंदर टी टू भी ज्यादा होना चाहिए किससे, टी वन से। सेम वॉल्यूम रखते हुए अगर किसी गैस का प्रेशर ज्यादा है, मतलब उसका टेम्परेचर भी ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी टू ग्रेटर देन टी वन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, तो 29 का हो जाएगा थर्ड। ओके, अब आते हैं हम 30 पे। 30 में वापस आपको पीवी ग्राफ में रिलेशन बताना है करेक्ट, ये वीटी ग्राफ से पी का रिलेशन बताना है। तो देखो वापस मैंने कोई टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो ये गिवन किसी टी नॉट टेम्परेचर पे देखो वी वन और वी टू, तो टी अगर फिक्स हो तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। अब हमें पता है वी टू ज्यादा है वी वन से, इसका मतलब पी टू कम है पी वन से, तो पी टू कम है पी वन से, इसका मतलब कि थर्ड ऑप्शन 30 के लिए आ जाएगा। ओके बेटा, आपको बोला बच्चों कि आपके पास दो गैस है हीलियम और हाइड्रोजन, जिनका वॉल्यूम सेम है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे इनको मिक्स किया गया है। ठीक है, ताकि इनका फाइनल प्रेशर भी फाइनल वॉल्यूम भी सेम रहे, तो रिजल्टिंग प्रेशर कितना होगा अगर इनिशियल प्रेशर इनका पी है। तो देखो इनिशियल प्रेशर जो है सेम प्रेशर अगर इनिशियल इनका पी है, तो मैं मोल कंजर्वेशन लगा देता हूँ। मोल कंजर्वेशन क्या कहता है कि मिक्सिंग के बाद भी मोल तो चेंज होंगे नहीं, है ना। अब इन्होंने बोल दिया कि आपने सेम वॉल्यूम रखा है बाद में भी, है ना, मिक्स किया ताकि वॉल्यूम सेम रहे, तो इस केस में, और टेम्परेचर तो आपस में सेम होना ही है, पहले भी सेम था बाद में भी सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पी डैश वी डैश अपॉन आर टी डैश, पी वन वी वन अपॉन आर टी वन, पी टू वी टू अपॉन आर टी टू। पी डैश बताना है, वी डैश तो वी रखना है, टेम्परेचर चेंज होगा नहीं क्योंकि पहले से ही सेम थे, तो पी वी अपॉन आर टी, तो पी डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये टू वी किया ना अपन ने, तो ये हो जाएगा पी वी अपन आर टी, पी अपन आर टी टू पी वी अपन आर टी, और वॉल्यूम को भी वी रखा है, वॉल्यूम को भी अपन ने सेम रखा है, तो ये हो जाएगा टू पी। ओके, तो प्रेशर हो जाएगा टू पी, 31 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले 32 क्वेश्चन में आपको बोला है कि एस्केप वेलोसिटी अगर VE हो तो कौन से किस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल जो है वो अर्थ एनवायरनमेंट को एस्केप कर जाएंगे। तो अर्थ एनवायरनमेंट को एस्केप करने के लिए देखो यहाँ पर जो RMS स्पीड है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एस्केप स्पीड से, है ना, तो या बराबर भी जाए तो भी एस्केप कर जाएंगे मान लिया, तो इसका मतलब अगर RMS स्पीड अगर एस्केप स्पीड से कम हुई तो कभी भी गैस मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं अपन, 33 में आपसे बोला है कि RMS स्पीड और साउंड की स्पीड का रेशियो बताना है। तो देखो RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री आर टी अपॉन एम, ये क्या होता है रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम, तो आर टी अपॉन एम तो कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3/गामा, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 33 का, कोई कंफ्यूजन इसमें, तो 33 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगला आता है मेरे पास 34th क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 में डाइट एटॉमिक के 2 मोल और मोनोटॉमिक का 1 मोल है, तो मिश्रण मिक्सचर के लिए गामा बताना है। तो देखो गामा क्या हो जाएगा, N1Cp1 प्लस N2Cp2, N1Cv1 प्लस N2Cv2 क्या हो जाएगा F1/2 प्लस 1 R
एन टू एफ टू बाई टू, या डायरेक्टली लिख देते ना अपन। देखो डायटोमिक के लिए सीपी कितना होता है, सीपी होता है एफ बाई टू प्लस वन आर, यानी कि ये हो जाएगा सेवन बाई टू आर, और सीवी कितना होता है इसका एफ बाई टू आर यानी कि फाइव बाई टू आर, और मोनाटोमिक के लिए सीपी कितना हो जाएगा फाइव बाई टू आर, और सीवी कितना होता है थ्री बाई टू आर। तो ये कितना आ जाएगा दो मोल के लिए इधर तो आ जाएगा फाइव बाई टू आर, फिर एक मोल के लिए इधर आ जाएगा थ्री बाई सॉरी फाइव बाई टू सेवन बाई टू सीपी लिखना ना, और इसके लिए आ जाएगा फाइव बाई टू आर, फिर सीवी लिखेंगे इसका तो ये हो जाएगा फाइव बाई टू आर, और ये हो जाएगा वन का थ्री बाई टू आर। कितना हो जाएगा सात दो चौदह पाँच उन्नीस, पाँच दो दस तीन तेरह, तो उन्नीस बाई थर्टीन, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्टी फोर का। ओके तो थर्टी फोर का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकेंड सही है। उसका थर्टी फाइव, थर्टी फाइव में सीपी माइनस सीवी, देखो सीपी माइनस सीवी जो आर होता है ना वो हमेशा मोलर गेस के लिए होता है, सीपी माइनस सीवी को जब हम आर लिखते हैं तो ये आर होता है फॉर वन मोल, ठीक है। लेकिन वन मोल के बजाय अगर हम यूनिट मास की बात करें, एक मास की बात करें, तो उस केस में सीपी माइनस सीवी आर बाई एम ये आता है फॉर यूनिट मास, यूनिट मास मतलब वन ग्राम, ठीक है। यूनिट मास मतलब क्या होता है एक ग्राम, और वन मोल का मतलब क्या होता है कैपिटल एम ग्राम गैस, तो इसी को आप कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो जब याद रखना मोलर मास के लिए पूछा है ना पर यूनिट मास के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सीपी माइनस सीवी बराबर आर बाई एम। इसमें वो कई बार हाइड्रोजन नाइट्रोजन इस तरह से नाम देके पूछ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन बोले तो कितना आ जाएगा आर बाई टू, नाइट्रोजन बोले तो आर बाई ट्वेंटी एट, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पूछा भी गया है जेई मेंस में। अगला आता है अपना 36 की बात करें तो अगर गैस एक्सपेंशन करती है तो उसका वर्क डन सिस्टम का क्या होगा। देखो वर्क डन सिंपल क्या होता है, वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव, तो इसका मतलब वर्क भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है उसका वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव। उसके बाद आता है 37, 37 में हम बात करेंगे इस गैस के लिए ओवरऑल क्या हो रहा है वर्क के बारे में। तो देखो वॉल्यूम जब बढ़ता है, मैंने समझाया था कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, है ना। तो हमें पता है वॉल्यूम कंटिन्यूअसली 1 से 2 तक बढ़ी रहा है गैस का, प्रेशर इस दौरान कम हो रहा है बट वॉल्यूम तो लगातार बढ़ रहा है ना। तो 1 से 2 अगर हम जाएं तो वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्क भी लगातार बढ़ेगा, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है। देखो वर्क हमेशा एरिया से निकलता है। अब आप सोचो सर आप यहाँ पे प्रेशर को कम हो रहा हो सकता है वर्क कम हो रहा होगा, तो आप एरिया चेक करो, देखो पहले एरिया इतना था फिर कुछ एरिया और जुड़ा उसमें फिर कुछ एरिया और जुड़ा, तो एरिया तो जुड़ ही जा रहा है ना उसमें। हाँ प्रेशर के कम होने से क्या होगा बाद में जो अगला एरिया जुड़ेगा थोड़ा कम जुड़ेगा बट जुड़ेगा, इसका मतलब वर्क पॉजिटिव आएगा। अगला आता है 38 में, देखो आपको टोटल वर्क डन पूछा है सिस्टम से। देखो पीवी एक्सिस के लिए अगर हम देखें तो एरिया आपको इस तरह से लेना है, तो ये देखो अब इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखें तो ये ग्राफ किस तरह का है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे देखेंगे ना अपन ऐसे, तो देखो ये वॉल्यूम घटने वाली डायरेक्शन में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ओवरऑल ग्राफ का एरिया क्या आएगा नेगेटिव। अब इसमें देखो वॉल्यूम बढ़ने वाली डायरेक्शन में ज्यादा एरिया आ रहा है, इसका मतलब इसका ओवरऑल एरिया कंसिडर होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ देखें तो ये बड़ा एरिया है, इसका ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। ध्यान रखना आप लोगों ने हो सकता है इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर दिया, आपने वी इधर मान लिया होगा और पी इधर मान लिया होगा, तो आपने बड़े वाले को ऐसे इसको पॉजिटिव माना होगा और छोटे वाले को नेगेटिव माना होगा, लेकिन ध्यान रखना ये गलत है क्योंकि पी इधर थोड़ी था, पी तो नीचे था ना, पी इधर है और वी इधर है, तो इसलिए फिर ये वाला ग्राफ जो है वो नेगेटिव है और ये वाला ग्राफ पॉजिटिव है, बड़ा एरिया नेगेटिव, इसलिए टोटल वर्क भी क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव आ रहा है इस केस में, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? फिर उसके बाद आपने पास 39 में आपको बोला है कि टोटल हम 4.8 कैलोरी हीट दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कितना मैकेनिकल इक्विवेलेंट है।
तो देखो इस केस में पहले तो वर्क डन निकाल लो, वर्क डन ऐसे निकालेंगे अपन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा 200, तो हाफ 200 10 पर माइनस 6 वॉल्यूम को कन्वर्ट किया, हाइट कितनी आ रही है बेटा इसमें 200 इंटू किलो पास कर ले 10 पर 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, कितना है 4 × 3 = 7 पावर, तो ये हो जाएगा 2 और 1 पावर बच जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 जूल में वर्क आ रहा है। अब वर्क आ रहा है 20 जूल, हीट कितनी थी 4.8 जूल, तो W बराबर क्या होता है जे क्यू, तो जे क्यू कितना है 4.8 और वर्क कितना हुआ 20, तो जे क्या हो जाएगा 20 जूल बटा 4.8 कैलोरी, तो कितना हो जाएगा 20/4.8 से कितना आ जाएगा, 20/4.8 से आएगा ये आएगा ऑलमोस्ट, इसको सॉल्व करोगे आप तो 20 200 कर दो इसको 48 कर दो, अब इसको तुम काटोगे तो 8 से काट दो 25 बार, इसको काटोगे 6 बार तो 25/6 जूल पर कैलोरी। ओके तो आपका ये 39 बन जाएगा इजीली फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद आता अपना 40 में आपको इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बताना है पी टी स्क्वायर के लिए, तो देखो पी जो है वो टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी बराबर टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, यानी कि टी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब टी क्यूब इक्वल्स टू अल्फा वी, एक कांस्टेंट मैंने यूज कर लिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो देखो 3t² dt बराबर अल्फा डीवी, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 में 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t² dt और t² t³ और ये क्या हो जाएगा अल्फा डॉट डीवी अल्फा वी, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, टी स्क्वायर से टी की पावर 3 कट जाएगी टी बचेगा, तो 3 dt / t बराबर dv / v 3/t dv / v / dt, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा गामा, मतलब कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो इस तरह से आप निकालते हो dv/v / dt, ये होता है ना फॉर्मूला, तो उसको आप सिंपल यूज कर लो यहां से, पहले पीटी इक्वेशन को कन्वर्ट करो टी और वी में और उसको फिर डिफरेंशिएट करके आप कैलकुलेट करो, क्या दिक्कत है। ओके बेटा, तो गैस के लिए अलग अलग प्रोसेस में आपसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी पूछे जाते हैं। अगला आता है 41 में, देखो आपको पानी के लिए अगर एक बिहेवियर याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि उसका वॉल्यूम जो होता है ना, पानी का वॉल्यूम 4 °C पे एकदम मिनिमम होता है, अगर आप 4 °C से टेम्परेचर कम करते हो तो भी वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाते हो तब तो वॉल्यूम वैसे ही बढ़ता ही है ना, तो अगर आप 4 °C के ऊपर गर्म करो, मतलब इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों केस में क्या होगा, ये ओवरफ्लो होएगा क्योंकि पहले से बराबर भरा हुआ था, आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया और घटा दिया, दोनों केस में ओवरफ्लो करेगा। अब दो ऑप्शन तो एक साथ सही हो नहीं सकते ना, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका अपना आंसर बन जाएगा फाइनली, कि दोनों फर्स्ट और सेकेंड में जो चीज लिखी हुई सही है, तो 40 का थर्ड। इसके बाद आएगा 41 का भी थर्ड आ रहा है, ठीक है, और 42 पे आते हैं हम। 42 में आपको यहां पे दो फ्लास्क जो है उनको जोड़ा हुआ है, फ्लास्क एक का टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो 2 से डबल है, तो सपोज करो कि इसका वॉल्यूम जो है वो V है, तो इसका कितना हो जाएगा 2V है ना। अब इसमें टेम्परेचर आपको दिए हुए और गैस के मास के बारे में कमेंट करना, देखो हमें पता है कि P दोनों का प्रेशर सेम है, तो P1 = P2 क्योंकि दोनों जुड़े हुए ना, ये हो जाएगा nRT/V nRT2 2 V2 1 1 1। अब देखो जब भी आपस में गैस मिक्स है तो टेम्परेचर भी तो सेम होगा, टेम्परेचर का अलग अलग दिया हुआ, सॉरी तो टेम्परेचर अलग दिया है, तो इसका मतलब N1 R से R कट जाएगा, T1 कितना है 100, V1 कितना है 2V, ये कितना है 200 और ये कितना है V,
इसको अगर आप सोल्व करो तो वी से वी खत्म और ये कितना आ जाएगा एन टू, तो इससे एन वन बाई एन टू कितना आ जाएगा 4। अब देखो एन वन में मोल अगर ज्यादा है, चार गुना मोल है तो मास भी चार गुना आएगा। तो अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि अगर एम वन बराबर एम हो तो एम टू बराबर कितना होगा। तो देखो मोल्स कैसे निकालते हैं आप, मास बाई मोलर मास से निकालते हो ना, तो इसको आप ऐसे कर लो फिर कैसे करोगे, एन वन बराबर मास बाई मोलर मास एम वन, एम टू अपॉन मोलर मास। इसका मतलब एम वन अपॉन एम टू बराबर, अब ये रेशियो कितना आ रहा है, यहां से एन वन बाई एन टू कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। तो इस रेशियो का अगर आप 4 यूज करो तो एम टू कितना आ जाएगा आपके पास एम वन बाई 4। तो अगर ये मास एम है तो ये कितना हो जाएगा एम बाई 4। थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा 42 के लिए। ओके तो 42 का थर्ड करेक्ट हो गया। फिर आते हैं हम 43 पे। 43 पे VH, VN, VO denote the root mean square velocity of molecule of hydrogen, nitrogen, oxygen respectively at given temperature. तो देखो हमें पता है कि molecules में जिसका mass V जो होता है root 3 RT upon M होता है, तो हमें पता है जो हल्की गैस है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सबसे हल्की गैस कौन है, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो अपना सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 43 का। फिर आते हैं 44 पे। 44 में आपको मिश्रण मिक्सचर के लिए गामा पूछा है, ठीक है। तो मिक्सचर के लिए गामा एक मोल डायटमिक और एक मोल मोनोटमिक गैस है, तो गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक मोनोटमिक गैस के लिए गामा सीपी कितना होता है, सीपी होता है ये 5/3 R, और ये हो जाएगा एक डायटमिक के लिए हो जाएगा 7/5 R, सॉरी 5/2 R और 7/2 R, और ये कितना हो जाएगा 1 CV कितना हो जाएगा 3/2 R मोनोटमिक के लिए और 5/2 R डायटमिक के लिए। कितना हो जाएगा 12/8 यानी कि हो जाएगा 3/2 यानी कि डेढ़। तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन, ठीक है 41 का 1। अगले क्वेश्चन 45 में एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 300 पे दिया हुआ है E, तो उसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे बात करिए हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें या F/2 kT के टर्म्स में अगर हम लिखें ट्रांसलेशन रोटेशन सब मानते हुए, तो भी F/2 kT फॉर्मूला होता है। अब F दोनों का, इसका हाइड्रोजन का F भी कितना है 5 और ऑक्सीजन का F भी कितना है 5, तो F दोनों का सेम है, T दोनों का 300 है, तो बताओ यहाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या एनर्जी में, नहीं। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की एनर्जी E है तो ऑक्सीजन की भी कितनी होगी E। 45 का मेरे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आता है 46 पे। 46 में आपको V वॉल्यूम P प्रेशर की एक मोनोटमिक गैस को जिसका वॉल्यूम V है प्रेशर P है, इसकी एनर्जी कितनी है 3/2 PV। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ डायटमिक गैस एट सेम वॉल्यूम सेम प्रेशर। अब देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करिए है ना, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर। देखो सेम वॉल्यूम है सेम प्रेशर है, इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम रहेगा है ना। अब सेम टेम्परेचर होने का मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास F/2 kT है ना, F/2 kT मतलब 3/2 kT। अब अगर सेम अमाउंट ऑफ मेरे पास यहां पे गैस है तो इसका मतलब मैं इसको मॉलिक्यूल सेम ले लूं, तो 3/2 NKT, NKT को मैं क्या लिख सकता हूं PV लिख सकता हूं, तो इसका मतलब 3/2 PV एनर्जी आ जाएगी। अब देखो इसमें चाहे कोई सी भी गैस हो है ना, जब तक आपके पास टेम्परेचर सेम है तब तक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नंबर ऑफ मोल के लिए सेम रहेगी, तो 3/2 PV दोनों के लिए सेम। 46 का क्या हो जाएगा मेरा सेकेंड ऑप्शन। ओके अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। देखो सबसे पहले बात करते हैं
डेल्टा क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी, और इस पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना आ रहा अपने पास 207 एन, एक दिया हुआ है, और सीपी कितना होता है एफ बाई टू प्लस वन आर। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10। तो इस केस में आपके पास ये क्या हो जाएगा 20.7 एफ बाई टू आर प्लस आर। एफ बाई टू आर, आर की वैल्यू कितना होता है 8.3 मान लेते हैं, तो एफ बाई टू आर कितना आ जाएगा 20/7 माइनस 8.3 मतलब कि 12.4। तो अभी डेल्टा क्यू वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, एन एक एफ बाई टू आर डेल्टा टी, एफ बाई टू आर को 12.4 डाल दो, डेल्टा टी को 10 डाल दो, कितना आ जाएगा 124। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद आएगा 48 की बात करते हैं। 48 में आपको बोल रहे हैं कौन सा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए करेक्ट है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर हम बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, T मतलब V बाई टी जो है वो क्या आना चाहिए कॉन्स्टेंट। तो V बाई टी कॉन्स्टेंट मतलब V बाई टी किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो 48 का हो जाएगा फर्स्ट। 49 की बात करता हूँ, तो 49 में देखिए आपको यहाँ पे 49 में फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है जब गैस एक्सपेंड होती है तो उसके किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ता। तो फ्री एक्सपेंशन में किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का अगेंस्ट अगर वर्क नहीं करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इस केस में जब गैस एक्सपेंड होगी तो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना है, तो हमेशा याद रखना इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस भी क्या होता है जीरो। साथ में गैस बिना हीट लिए और बिना हीट दिए जो है वो एक्सपेंड होती है, तो साथ में डेल्टा क्यू भी क्या होता है जीरो होता है। ये दोनों चीज जीरो होने का मतलब क्या है, डेल्टा यू इंटरनल भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर उसका आता है पीवी बाई टी। देखो पीवी बाई टी क्या होता है, पीवी होता है एनआरटी, इसका मतलब पी वी बाई टी बराबर क्या हो जाएगा एन आर। अब एन आर कॉन्स्टेंट, इसमें कहीं भी गैस का नेचर आ रहा है क्या, एन भी कॉन्स्टेंट आर भी कॉन्स्टेंट, हर तरह गैस के लिए वैल्यू सेम आएगी है ना। तो अपना यहाँ पे केवल कौन सा प्रोसेस जाएगा, दोनों चाहे आइसोथर्मल हो या एडियाबेटिक हो दोनों के लिए आ जाएगा। 50 का हो जाएगा मेरे पास थर्ड ऑप्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन। ओके बेटा, तो यहाँ पे अपना सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बच्चों आता है हमारा अगला क्वेश्चन सेक्शन बी का, जिसमें हम बात करने वाले इंटीजर वाले क्वेश्चंस की। तो इसमें आपको बोला है कि थर्मामीटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 20 पे और बॉइलिंग पॉइंट 150 पे है, तो टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड वो इस थर्मामीटर में कितना आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें ये जो अननोन थर्मामीटर दिया हुआ उसके लिए टेम्परेचर माइनस 150 माइनस 20, और जो सेंटीग्रेड में होता है वो क्या होता है 60 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा टी माइनस 20 130 6 by 10, यानी कि टी इज 13 into 6 प्लस 20, ये हो जाएगा 98। इजीली आपका आंसर बन गया 98.00। ओके, अगला आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम को 54 ग्राम वाटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, तो वहां पे अपन स्टीम को गुजार रहे हैं, तो आपको बताना है कि मिक्सचर में कितना मास होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने m ग्राम स्टीम को जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से है उसको यूज किया होगा इस प्रोसेस में। तो m ग्राम स्टीम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो ये स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होगी कितना का, 100 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
फिर वापस वाटर से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है, ये अपना फाइनल स्टेट है ना। अब इधर से पानी कितने पे है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, कितना ग्राम, 54 ग्राम, इसको भी 90 पाना है। तो अब देखो रिक्वायर्ड हीट कितनी है, रिक्वायर्ड हीट हो जाएगी 54 into 30, 4 × 3 = 12, 0 × 5 = 4 × 3 = 1, 5 × 3 = 15 और 1 = 1620, ठीक है। अब इतनी हीट हमें यहाँ पे चाहिए, तो डेल्टा क्यू रिलीज्ड भी इतनी होना चाहिए, एम इंटू लेटेंट हीट और एम सी डेल्टा टी। तो देखो लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है आपको, 530 दिया हुआ है, और एम 1 और 10, सो माइनस 90, ये डिफरेंस है ना, तो ये कितना हो जाएगा एम इंटू 540। अब ये दोनों हीट अगर इक्वल कर दें तो डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड बराबर डेल्टा क्यू रिलीज्ड, तो इस केस में कितना आ जाएगा, 1620 बराबर 540 इंटू एम, एम कितना आ जाएगा, तो ये कितना रहेगा 540। जस्ट मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं, 54 ग्राम 30 पे था, 60 तक लेके आए, तो 50 ग्राम, ओके ओके यहाँ मिस्टेक कर दी ना अपन, यहाँ 30 आएगा फिर यहाँ 60 आएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक बार इसको सॉल्व करते हैं, 54 × 6 × 10 ऐसे कर देता हूँ चलो मैं, ठीक है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 54 डेल्टा क्यू रिलीज्ड 54 × 6 × 10 ऐसे कर दूं, तो 6 और 10 ये तो कट जाएगा, तो m कितना आ जाएगा 6, मतलब आपको इस प्रोसेस में कितनी ग्राम स्टीम यूज करनी पड़ी, 6 ग्राम। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, 6 ग्राम स्टीम यूज कर ली ना, तो टोटल मिक्सचर का मास पूछ रहे, तो m नेट कितना हो जाएगा इस केस में, m वाटर प्लस m स्टीम जो आपने यूज किया था, 54 + 6 टोटल कितना हो जाएगा 60, तो 60 अपना आंसर आ जाएगा इसका, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें, तो नोट कर ले एक बार इसको। अगला आता है थर्ड क्वेश्चन, तो पहले अपन को ये पता करना है कितना मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड है, बाद में उन दोनों को टोटल करना है, लिखे बेटा। तीसरे में इन्हें गिवन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 100 सीसी एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेंपरेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर टेंपरेचर बीइंग सेम। अब देखो टेंपरेचर को अगर सेम रखा गया है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो P1V1 बराबर P2V2, P1 कितना है 1 atm, V1 कितना है 100 cc, P2 कितना कर दिया आपने 4 atm, V2 तो atm से atm खत्म, कितना आ जाएगा 25 cc, ये क्या आ जाएगा आपके पास V2, तो आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा 25, ओके। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपको बोला है कि टेम्परेचर इन केल्विन्स द आरएमएस स्पीड ऑफ ए टी टेम्परेचर आरएमएस स्पीड ऑफ गैसेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आरएमएस स्पीड अगर इक्वल है किस किस के लिए, वी आरएमएस 4H2 इक्वल्स टू वी आरएमएस 4 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा 3R, टी कितना है बेटा टी है बाय 2 मोलर मास, 3R टी, इसमें टी कितना है 273 + 47 / 32, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा टी बाय टू बराबर 320 / 32 से कितनी बार कटेगा 10 times, तो इसका अंदर t कितना हो जाएगा 20, लेकिन अपन से क्या पूछा है t/10 पूछा है, तो t/10 यानी 20/10 कितना हो जाएगा 2, तो फाइनली 2.00 ये मेरा आंसर बन जाएगा फोर्थ का, ओके बेटा। तो आपका ये आंसर हो गया फोर्थ का, आगे बढ़ते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ पे, नोट कर ले से। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि 54 कैलोरी हीट हमने दी 0.1 cc वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
168.1 सीसी के स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो हमें पता है कि डेल्टा क्यू जो होता है टोटल, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा क्यू है 54 कैलोरी दिया हुआ है, वर्क डन क्या होता है पी डेल्टा वी। डेल्टा यू पी कितना हो जाएगा मेरे पास, प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना लेना है आपको 10^5, और कितना लेना है 168.1 माइनस 0.1 सीसी यानी कि 10^-6। तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा यू प्लस 168 और 10^-1 यानी कि डेल्टा यू प्लस 116.8। लेकिन ये ध्यान रखना है जूल में है, तो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, 4.2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल दिया हुआ आपको, तो इससे कितना हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 4 जूल 54। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा 50 कैलोरी। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया 50 कैलोरी, कोई कन्फ्यूजन इसमें। अगला आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लो, 1 - T2/T1। T2 कितना हो जाएगा, 1 - 273 - 23, 273 + 27, 1 - 250 / 300 यानी कि 1 - 5/6 यानी कि 1/6। ये तो इस रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी। अब परफॉर्मेंस कोफिशियंट और एफिशिएंसी का रिलेशन ये होता है, तो यहाँ डाल दो 1/6, तो बीटा कितना हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। तो 5 अपना आंसर आ जाएगा इस केस में 6 का। अगला आता है सेवंथ। सेवंथ में आपको साइक्लिक प्रोसेस में जो है एबीसी में वर्क डन कितना है गैस का, एबीसी में 50 जूल और 50 जूल हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा सी में। चलो हमें पता है कि डेल्टा क्यू एबीसी कितना दिया है 50, डब्ल्यू एबीसी कितना दिया हुआ है आपको 20 कैलोरी दिया हुआ बेटा, है ना, इसको कन्वर्ट करो पहले, तो ये जूल है तो 20 × 4.2 जूल यूज करो, तो कितना आ जाएगा 84 कैलोरी आ जाएगा, 84 जूल आ जाएगा। तो 20 × 4.2 जूल यूज करोगे तो कितना आएगा 84 जूल। तो डेल्टा यू जो एबीसी के दौरान डेल्टा यू में चेंज आया वो कितना आया, 50 - 84 - 34 जूल का चेंज आया, इसका मतलब है ना। अब 34 जूल का चेंज आया, सॉरी 20 कैलोरी तो हीट दी थी ना अपन ने, तो मैंने उल्टा लिख दिया, ओके ओके सॉरी। ये तो है वर्क और ये है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू माइनस, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन कहती है डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो ये कितना हो जाएगा 84 बराबर 50 प्लस डेल्टा यू, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा 34। अब ये तो एबीसी के दौरान चेंज आया है ना, तो एबीसी के दौरान तो इतना चेंज आ गया, तो हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज कितना होता है 0। तो ए बी सी में अगर इतना चेंज आया तो सी से ए में वो चेंज वापस खत्म होना चाहिए, यहाँ चेंज आया 34 का तो सी से ए में चेंज कितना आना चाहिए ताकि टोटल चेंज 0 आ जाए। तो डेल्टा यू सी से ए के दौरान कितना आएगा बेटा -34। आपसे केवल वैल्यू पूछिए, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप केवल क्या बता देंगे मैग्नीट्यूड यानी कि 34.00 आपका ऑप्शन यहाँ बन जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इजीली सेवंथ क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। बात है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन आपको बोला है कि एक क्लोज्ड सिलेंडर है जिसमें 60 ग्राम नियोन तथा और 64 ग्राम O2 भरी गई है ना, तो आपको बताना है कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस इन सिलेंडर 30 बार है, तो प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर O2 का कितना होगा सिलेंडर में। देखो सिंपल सी बात है, हम जब पी नेट निकालते हैं तो पी नेट है ना सब तरह की गैस की वजह से होता है, कितनी गैस, तो नियोन की वजह से भी होगा और O2 की वजह से भी होगा, है ना। अब इसका मतलब देखो वॉल्यूम सबका सेम है क्योंकि यही कंटेनर भरा है, प्रेशर सेम है और टेम्परेचर सेम है,
तो फिर इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर 30 बार आ रहा है ना, उसमें दोनों की कितनी हिस्सेदारी, जिसके जितने मोल उतनी उसकी हिस्सेदारी है ना। तो हिस्सेदारी निकालने के लिए मोल्स निकाल लो। अब नियोन का मोलर वेट कितना होता है, 20 है ना, और ऑक्सीजन का मोलर वेट कितना हो जाएगा आपके पास, 32। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर नियोन कितने हो जाएंगे, 60/20, 3 मोल तो इसके। नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 64/32, यानी कि 2 मोल इसके। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो भी उसी रेशियो में होगा, है ना। तो प्रेशर जो नियोन अप्लाई करेगा वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, प्रेशर जो ऑक्सीजन अप्लाई करेगा वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब नियोन का प्रेशर और ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो हो जाएगा इनके मोल्स पे डिपेंडेंट, 3 और 2। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ। अब हमें किसका पूछा है, O2 का पूछा है ना, तो इसको लिख दो, नियोन को रिप्लेस कर दो 3, प्रेशर ऑफ O2 का 3/2 टाइम्स, तो ये लगा रहा है, और ये प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू प्रेशर ऑफ O2 30 बार। तो प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा इस केस में, 60/5 यानी कि 12 बार। ठीक है भाई, 3:2 के रेशियो में बांट दो ना, 30 के 5 हिस्से करो, 2 हिस्सा ऑक्सीजन की वजह से लग रहा है, तो ऑक्सीजन की वजह से कितना लगेगा इस केस में, ऑक्सीजन की वजह से लगेगा 12 बार प्रेशर। कोई कंफ्यूजन इसमें, तो ये आपका आंसर हो गया ऑक्सीजन की वजह से 12 बार प्रेशर का। ठीक है, अगला आता है इसमें 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें आपको देखिए 9th क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड अगर वी है तो आपको V/10 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और कुछ सपोर्ट में डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो VRMS कितना होता है, 3RT/m। अब ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले देखो ये कितना दिया आपको, 3R 25/3 यूज करना है, T आपको 300 यूज करना है, m कितना होता है, m हो जाएगा 32, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है ग्राम को केजी में। ठीक है, 3 से 3 खत्म। ठीक है, कितना आएगा, 25 × 3 × 100 / 32 × 10⁻³। तो ये हो जाएगा 750/32 × 10⁴। तो √750/32 × 10⁻² 750/32 कितना लेना है, 4.841 × 10⁻². ठीक है, तो इससे आपके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, 484.1। ये तो वी की वैल्यू है। अब आपको उन्होंने V नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है V/10। तो V/10 कितना हो जाएगा, इसको वापस 10 से और डिवाइड कर दो, 40/10, तो कितना हो जाएगा, 48.41। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है लेकिन आंसर सेट करने में मेहनत है। ठीक है, हालांकि उन्होंने मेहनत काफी कम कर दी आपको डेटा दे करके। तो आपका 9th का आंसर हो जाएगा 48.41। कोई कंफ्यूजन इसमें। अगला आता है आपके पास 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको बोला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा अगर उसके लिए गामा इतना दिया हुआ है। देखो गामा क्या होता है, एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट 1+2f होता है। तो 9/7 1+2f, तो कितना हो जाएगा, 9/7 − 1 = 2f, तो 2/7 = 2f, तो f कितना हो जाएगा इसमें, 7। ये आपका आंसर हो गया 7। तो 10th का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 7। ओके, अगला आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको 60 ग्राम O2 37 पे और 14 ग्राम N2 27 पे आपको मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है। देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपको इंटरनल एनर्जी का कंजर्वेशन काम में लेना है। ठीक है, क्योंकि आप लॉस तो कभी कंसिडर करोगे नहीं इसमें, तो इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए यू इनिशियल बराबर यू फाइनल, और यू का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nRT, है ना। अब 62 ग्राम 16 ग्राम O2 का मतलब इसके मोल कितने हुए, हाफ,
14 ग्राम N2 का मतलब इसके मोल कितने हुए, हाफ, क्योंकि इसका मोलर वेट कितना होता है, इसका मोलर वेट होता है 28 और इसका मोलर वेट होता है 32। तो देखो, और दोनों कौनसी गैस है, दोनों है डायटोमिक गैस, है ना, तो दोनों के लिए एफ ओ टू हो चाहे एफ एन टू हो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां पे एफ सेम हो गया, एन भी सेम हो गया, आर भी सेम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या है इसका मतलब, एन ओ टू और एन एन टू दोनों हाफ है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तब देखो ये क्या हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू टी प्लस टी, भाई एक्चुअली मुझे करना क्या है इसमें, देखो दोनों की एनर्जी लिखनी है, एफ बाई टू एन आर टी वन प्लस एफ बाई टू एन आर टी टू, और ये हो जाएगा एफ बाई टू एन आर टी प्लस एफ बाई टू एन आर टी। तो देखो एफ बाई टू एन आर तो सब में कट जाएगा, तो इसका अंदर टी क्या रहेगा मेरे पास, टी वन प्लस टी टू बाई टू। तो अब इसको केल्विन में कन्वर्ट आप एनआरटी इसमें लिख रहे हो, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो इसको, तो 37 का कितना रहेगा, 310, 27 का 300 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना रहेगा, 305 को वापस कन्वर्ट करोगे तो कितना रहेगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आंसर बन जाएगा इसमें फाइनल, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड 11th का। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट है इंटरनल एनर्जी का कंजर्वेशन, इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहेगी, इस फैक्ट को ध्यान में रखते हो आप इसको सॉल्व करें। अगला, 12th में आपको वर्क डन बाय गैस अगर W है तो W बाय 100 बताना है। देखो सिंपल सी बात है, ये जो इसमें साइड है ना, अब यहां पे जो ये साइड दी गई है, देखो ये साइड कितनी है, साइड लेंथ है 2, ये साइड लेंथ कितनी है 6। वर्क डन क्या होता है, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ हाफ इंटू 2 प्लस 6, और पैरेलल साइड का सम और डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड। और ये ध्यान रखना, ये एटीएम में दिया हुआ है प्रेशर, है ना, तो प्रेशर अगर एटीएम में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करोगे आप 8 × 10⁵ और 3 × 10⁻³, तो कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻² यानी कि 1200। ये तो आया वर्क, हमें क्या बताना, वर्क बाय 100 बताना, यानी कि 1200 डिवाइड बाय 100 यानी कि 12, ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन लिख लो आराम से इसको, है ना, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला आता है अपना 12th के बाद 13th में, देखो आपको बोला कि एक टायर ट्यूब है, उसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 8 टेम्परेचर और 8 एटीएम प्रेशर पे आपने हवा भरी हुई है, और अचानक से वो टायर बर्स्ट हो जाता है। अचानक से बर्स्ट होने का मतलब क्या होगा, सडनली, मतलब कि किस तरह का केस है, ये है केस एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अभी टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये होता है ना इक्वेशन, तो पी को लिख दो एन आर टी अपॉन वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे अच्छा, इन्होंने प्रेशर के बारे में बात की है ना, प्रेशर और टेम्परेचर का भी रिलेशन निकाला, तो क्या रहेगा, पी वी को लिख दो एन आर टी अपॉन पी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, पी वन माइनस गामा टी गामा बराबर कांस्टेंट। तब इसने टेम्परेचर पूछा है, देखो शुरुआत का टेम्परेचर कितना है, शुरुआत का टेम्परेचर है 300, टी वन कितना है 300, और टी टू इन्होंने पूछा है, तो ये हो जाएगा पी वन माइनस गामा वन टी वन गामा पी टू वन माइनस गामा और टी टू गामा। तो पी वन कितना है, पी वन अपॉन पी टू वन माइनस गामा टी वन की पावर गामा इस टी टू की पावर गामा, और गामा डिवाइड कर दो पूरे में, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया, पी वन कितना था 8,
ये कितना है वन, वन माइनस गामा अपॉन गामा, गामा कितना है एयर, एयर मतलब क्या होता है, एयर को आप ये गामा 1.5 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 1.5 अपॉन 1.5 और T1 कितना दिया हुआ है 300, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 बाय 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 की पावर माइनस 1/3 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 1/8 की पावर 1/3 इंटू 300, 8 की पावर 1/3 यानी कि 2 होता है 300, मतलब कि कितना हो जाएगा 150 केल्विन, तो 150 केल्विन जो है वो क्या है टेम्परेचर आया, और हमें क्या पूछा है टी बाई 10, तो टी बाई 10 यानी कि 150/10 यानी कि 15, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 15, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा 15, ओके okay? अगला आता है इसमें, तो इसमें ध्यान रखना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो टी और पी में रिलेशन होता है वो अपन यहां काम में ले रहे हैं, ओके okay? अगला आता है 14 में क्या है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस के जरिए हमने कंप्रेस कर दिया आइडल गैस को 80 से 20 में, तो इनिशियल प्रेशर अगर 2 पास करें तो फाइनल प्रेशर कितना होगा, ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो पी वन वी वन गामा पी टू वी टू गामा, तो पी टू बराबर पी वन वी वन अपॉन वी टू गामा, पी वन कितना है आपके पास 2, वी वन कितना किया आपने 80 और ये कितना कर दिया 10, गामा कितना है 5/3, तो 2 की पावर 3 5/3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 यानी कि 64, तो 64 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, तो 64 14 का आंसर इजीली बन रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, नोट कर लें इसको भी। अगला आता है 15 में आपको बोला है कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है जो कि रीडिंग शो करता है 50 और 90 कब 0 और 100 पे, तो प्रेशर रीडिंग अगर 60 है ना, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है इसमें जैसे अपन टेम्परेचर स्केल के रिलेशन बनाते हैं वैसे बना लो, क्या हो जाएगा पी माइनस पी नॉट या P1 P2 माइनस P1 और ये क्या हो जाएगा सेंटीग्रेड माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, अब प्रेशर कितना है 60, इनिशियल कितना था 50 और 90 माइनस 50, इधर कितना हो जाएगा C कितना 60 माइनस 0 100 माइनस 0, तो 10/40 60/100 अपन को क्या बताना था इसमें टेम्परेचर तो पूछा था ना, ओके तो यहाँ पे सी बाई 100 करेंगे तो ये भी सी बाई 100 आ जाएगा, सी बाई 100 तो सी कितना हो जाएगा 25, मतलब इस केस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर आएगा तब जाकर के इसका जो रीडिंग है वो 60 सेंटीमीटर प्रेशर की इक्वल होगी, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन, 15 का आंसर आ जाएगा 25। अगला आता है 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 16 में क्या है एक लेड बुलेट है 10 ग्राम जो ट्रेवल कर रही है 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्ट्राइक करती है अगेंस्ट द ब्लॉक ऑफ वुड एंड कम टू रेस्ट, अब ये बोल रहे 50% एनर्जी जो है वो बुलेट एब्जॉर्ब कर लेती है ना 50%, तो इसका मतलब क्या है हाफ एमवी स्क्वायर का जो 50% पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एम सी डेल्टा टी में, 50% का मतलब कितना होता है 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर एम सी डेल्टा टी, एम से एम उड़ा दो तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2c है ना, वी स्क्वायर कितना है इसमें 300 4 और सी कितना है 150, तो ये दो बार कट जाएगा तो ये आएगा मेरे पास 600/4 यानी कि 150 का मतलब अब इसमें 20 से डिवाइड करना है तो 150/20 यानी कि आएगा 7.5, तो मेरा आंसर 16 का कितना हो जाएगा 7.5।
अगला आता है 17th क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन में बोल रहा है मोलर मास 44 ग्राम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 2. तो इसमें सिंपल आपको गैस इक्वेशन काम में लेना है. तो गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी बराबर एनआरटी. ठीक है, अब 2.2 ग्राम, अब इसमें प्रेशर तो 2 दे दिया, वॉल्यूम पूछा है 2.2 और 44, आर होता है 25/3 और 27 का मतलब 100. तो ये कितना आ जाएगा 300, ये 100 बार कट जाएगा, ये कटेगा 20 बार, 20 से कटेगा 5 बार. तो V कितना आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 2 यानी कि 62.5. तो वॉल्यूम कितना आएगा 62.5, 17th का आंसर आ रहा है इजीली, है ना. अगला 18th में आपको बोला है कि स्पीड का रेशियो बताओ आरएमएस स्पीड का. तो देखो सी ए बाई सी बी क्या होता है, 3 RTA / MA, 3 RTB / MB कितना हो जाएगा रूट ऑफ TA / MA, रूट ऑफ TB / MB. अब ये रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, ये रेशियो आपको दिया हुआ है 4 का. तो 4 का स्क्वायर रूट करो कितना आएगा 2. तो मेरा आंसर बन जाएगा 18th का 2. बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ओके, अगला आता है 19. थर्मोमीटर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल हीलियम हाइड्रोजन इंक्रीज फ्रॉम दिस कांस्टेंट प्रेशर. तो कितनी हीट डिलीवर होगी, है ना. अब सबसे पहले तो आप यहां पे क्या करेंगे, सीपी मिक्सचर निकाल लो. क्या हो जाएगा, N1CP1 + N2CP2 / N1 + N2. N1 कितना है मेरे पास, 1 मोल हीलियम है. तो 1 मोल हीलियम, हीलियम के लिए कितना होता है 3/2 + 1 R. दूसरा क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 5/2 + 1 R / 1 + 1. कितना हो जाएगा बेटा है 5/2 / 7/2 यानी कि 12/2 R / 2 यानी कि कितना आएगा 3 R. ये तो सीपी मिक्सचर, अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे, इसका अमाउंट ऑफ हीट कितनी चाहिए, NCP ∆T. N कितना है, दोनों के 1-1 मोल है, इसका मतलब 2 मोल. सीपी मिक्सचर कितना आया था 3 R, डेल्टा टी कितना है 100 - 0, तो 2 3 25/3 और 100 कितना हो जाएगा 50 × this. तो ये कितना हो जाएगा 5000. तो अमाउंट ऑफ हीट जो डिलीवर होगी वो इतनी हो रही है 5000. तो देखो बच्चों, इसमें आपको Q/100 की वैल्यू पूछा है कि हीट डिलीवर्ड अगर Q हो तो Q/100 कितना होगा. तो Q कितना आ रहा है, तो Q/100 मतलब कि 5000/100 कितना आएगा 50. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा 19 का. ठीक है, ये हो गया अपना. अगला आता है लास्ट 20. तो 20 में आपको बोल रहे हैं कि अगर मान लो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान किसी गैस का प्रेशर उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 3 पावर पे डिपेंड करता है, तो गामा कितना होगा. तो देखो प्रेशर और टेम्परेचर, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है. पी को लिख, अब प्रेशर और टेम्परेचर का बताना ना अपन को, तो पी इसको लिखो NRT / P/γ बराबर कांस्टेंट. तो पी 1 - γ T γ बराबर कांस्टेंट. तो पी क्या हो जाएगा, γ - 1 / T γ प्रोपोर्शनलिटी आ रही है. इसका मतलब प्रेशर जो है वो टेम्परेचर की पावर γ / γ - 1 पे डिपेंड करता है. अब यहाँ प्रेशर जो है वो 3 पावर पे डिपेंडेंसी दी हुई है, इसका मतलब γ / γ - 1 / 3 मतलब γ / 3 γ - 3. तो गामा कितना हो जाएगा 2γ / 3, गामा कितना हो जाएगा 1.5. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1.5, इसमें कोई कंफ्यूजन. तो ये आपका यहाँ पे बेटा ECO 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ. आई होप आपने यहाँ पे, काफी इजी पेपर था, इसको अच्छे सॉल्व किया होगा. जो भी आपको कंफ्यूजन लगे हैं उनको अपने नोट्स में ऐड करते जाएं और आगे के लिए प्रिपरेशन करते जाएं. ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.